सुचिन की। सबसे पहले रुक करेंगे भोपाल का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज स्वास्थ्य आग्रह अभियान में आज से बैठे हैं और आज मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य आग्रह अभियान में कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह मिलने पहुंचे। स्वास्थ्य आग्रह में कांग्रेस विधायक के पहुंचने के अब कई मायने ढूंढे जा रहे हैं। हालांकि लक्ष्मण सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात इसलिए हुई, उन्होंने इसलिए मुलाकात की क्योंकि वैक्सीन और दूसरी समस्याओं को लेकर वो कुछ बताना चाहते थे। मुख्यमंत्री को उनकी मांग थी व्यवस्थाओं को लेकर, वैक्सीन को लेकर कुछ सुझाव देना चाहते थे। और लक्ष्मण सिंह ने यह भी कहा है कि सीएम का खुले में मिलना अच्छी बात है। दूसरी तरफ लक्ष्मण सिंह ने कहा कि सरकार के हर सकारात्मक काम में पार्टी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। हालांकि लक्ष्मण सिंह की इस मुलाकात पर पार्टी ने पल्ला झाड़ा है। वैक्सीन की कमी, बिल्कुल वैक्सीन खत्म हो गई गुना जिले में, वहाँ लोग अस्पताल में बैठे हैं, वैक्सीन नहीं है, पहली बात। दूसरा, डॉक्टर्स की कमी है और पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक सहयोग देने में कभी पीछे नहीं हटी है और ये खुले में बैठे अच्छी बात है, हमने आके अपनी समस्या बता दी जी, आश्वासन दिया। देखो, लक्ष्मण सिंह जी गए हैं, वो अपने निजी तौर पर गए हैं, मेरी मुझे उनकी जानकारी भी नहीं, उनके जाने की कुछ समाचार पत्र मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी है। ठीक है, क्यों गए उसका कारण तो वही बता पाएंगे, क्योंकि पार्टी की तरफ से तो और कोई व्यक्ति गया नहीं है। किस उससे गए हैं, वो क्या सोच के गए, उसका जवाब वही दे पाएंगे। बड़े नेता हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं मानता। गए होंगे तो कुछ सोच समझ के गए होंगे, और जहाँ तक पार्टी के ऊपर बयानबाजी का है, यदि पार्टी का उनको कोई भी बयान अनुशासनहीनता के दायरे में आया तो पार्टी उस पर निर्णय लेगी। चलिए, हम रुक करेंगे इस खबर पर। ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। जुगल, लक्ष्मण सिंह जब मिलने पहुंचे उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग में वो कह रहे हैं कि मैं तो वैक्सीन की कमी, डॉक्टरों की कमी और पेयजल की समस्या को लेकर मिलने पहुंचा था, स्पष्ट कर चुके हैं मुलाकात के मायने, अभी फिलहाल और क्या मायने निकाले जाए? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ किरदार ऐसे हैं जो हमेशा चौंकाते हैं, चाहे वो बीजेपी के नारायण त्रिपाठी हो या कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह हो। आप नारायण त्रिपाठी की बात करें तो आप देखिए कभी भी वो ऐसा बयान दे देते हैं जो कभी कई बार बीजेपी को पशुपेश में डाल देती है, और कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिससे हमेशा चर्चा बनी रहती है। इसी प्रकार कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह भी उसी किरदार के एक व्यक्ति हैं कि वो कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जो सबको चौंकाते हैं, चौंका भी देते हैं और कई बार कुछ मायने और कयास भी लगने शुरू हो जाते हैं। हालांकि आज उन्होंने जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वास्थ्य आग्रह चल रहा है उस दौरान वो पहुंचे थे वहां, और पहुंचने के बाद उन्होंने गुना जिले की समस्या बताई थी। गुना जिले में डॉक्टर की कमी और वैक्सीनेशन की कमी को लेकर उन्होंने बात की, लेकिन एक बात उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दी कि वो एक तरह से अघोषित समर्थन के रूप में भी दिखे। उन्होंने कहा कि अगर वो इस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर कोई पहल कर रहे हैं तो अगर स्वागत योग्य है तो वो स्वागत करते हैं, और वो जो सत्याग्रह, जो उन्होंने स्वास्थ्य आग्रह किया है वो उनके समर्थन में है। तो निश्चित रूप से ये जरूर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया कि अचानक, क्योंकि लक्ष्मण सिंह चाहते तो इससे पहले भी ये शिकायत, उनको जो आवेदन देना था वो आवेदन पहले दे सकते थे या कल 12:30 बजे के बाद दे सकते थे। आखिर इस ये जो टाइमिंग है ना, और दीपक, राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। कोई भी घटनाक्रम किसी टाइमिंग से अगर जुड़ जाता है, किसी समय के अनुसार जुड़ता है, तो उसमें जरूर चर्चा और कयास शुरू हो जाते हैं। लक्ष्मण सिंह चाहते तो एक दिन पहले दे सकते थे या एक दिन बाद दे सकते थे, लेकिन जहाँ पर स्वास्थ्य आग्रह चल रहा है मिंटो हॉल, वहाँ पहुँचकर इस तरीके से ज्ञापन देना कई सवाल जरूर खड़े कर दिया है। उन्होंने समर्थन भी किया है, तो निश्चित रूप से जब ऐसी परिस्थितियों में समर्थन किया है, जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इसका विरोध कर चुके हैं, इसे नौटंकी बता चुके हैं, और उस बीच लक्ष्मण सिंह वहाँ पहुँचकर भले ही ज्ञापन दिया हो, लेकिन एक तरह से मौन रूप से इस स्वास्थ्य आग्रह पर अपना समर्थन भी दे दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने जुगल, खास तौर के टाइमिंग को लेकर देखा जाएगा, और जो मुलाकात हुई है लक्ष्मण सिंह की उसके बाद जरूर कई मायने निकाले जा रहे हैं। ठीक कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए, हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए। लक्ष्मण सिंह हालांकि ये कह रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन की कमी और पानी पेयजल की समस्या, डॉक्टरों की कमी की समस्या लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे ज्ञापन देने, लेकिन आज ही का दिन क्यों, इस पर अब कई मायने निकाले जा रहे हैं मुलाकात की।